तो यार आज हम जल्दी जल्दी बात करेंगे इनकम टैक्स वाले डे की। इनकम टैक्स का जो डे आ रहा होता है ना, तो ये बड़े बड़े लोग जो है ना, छोटे छोटे लोगों को ढूंढते हैं कि अपने कुछ पैसे जो है छोटों के अकाउंटों में डलवा दें, टैक्स कम देना पड़े। वो छोटे अकाउंट हमारे होते हैं, लाइक मतलब हम तो होते ही हैं, पता नहीं हम जैसे कितने होते होंगे। खैर होंगे, मेरे एक दोस्त के बाप के पास बहुत पैसे। एक दिन कॉल आती है, बोलते तेरे अकाउंट में जगह है। मैं बोलता हूँ भाई सिर्फ जगह ही है। तो बोलते तुझे कोई मसला वसला तो नहीं है? मैंने बोला यार जो दिल चाहे करो, कैसा मसला है? वो बोलते मतलब इनकम टैक्स से तो तेरा कोई मसला नहीं है ना। मैं उन्हें बोलता हूँ यार जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, इनकम टैक्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इनकम, जो अपनी तो है नहीं। इनकम टैक्स वाले अगर मेरा बैलेंस देख लेते ना, बोलते इससे नहीं लेने, ये रो जाएगा, मुझे पुराने नोट भी चलाने देते। अब हम मैं ATM जाता हूँ, आप लोग जाते होगे, आप लोग अपने पिन छुपाते होगे, मैं ATM जाता हूँ अपनी स्क्रीन छुपाता हूँ, पीछे वाले ने बैलेंस दे दिया ना, पीछे से हैक कर लेगा। ये तेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है। नहीं नहीं तेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, तेरे पास तो स्लिप निकालने के भी पैसे नहीं है भाई। एक बार तो मैंने एक लड़के को कह दिया था कि चल थोड़ा पीछे हो, वो मुझे बोलता है नहीं देख रहा ना तेरी पिन। मैं बोलता हूँ भाई फोटो अब पीछे हो जा। अपना कंसर्न ही नहीं है भाई, अपना कंसर्न तो स्क्रीन छुपाना है। 37 पैसे थे यार उस वक्त मेरे पास। कराची में अरीना है ना, सुना होगा उसके बारे में। वहाँ अकाउंट खुलवाने वो एक कार्ड देते हैं जिसके अंदर 50 रुपए का डिपॉजिट होता है। मैं सोच के बैठा था यही मेरी FD है, जब बुरे हालात आएंगे तोड़ देंगे। एक बार मेरे आगे लड़की ने अपना कार्ड स्क्रैच करा, उसका बैलेंस था 1500। मैं परेशान हो गया, यार इसने ATM डाला है, अपना कार्ड डाला है। शुरू से ना अपना बैलेंस पिन से कम ही था। हाँ यार पिन बदलनी पड़ गई, 0000।